पॉइंट कमाने हैं अपने दोस्तों का बदनाम करके। सिर्फ 15,000। हे गाइस, देखिए सुबह के 8:30 बज रहा है और हमारी दीवू को देखो। दीवू इधर देखो, सबको बताओ। और दीवू हमारी कितनी क्यूटी पाई लग रही, देखो। और नींद भी आ रही है उसको। नींद भी आ रही है। जैसे स्टॉकिंग्स पहने हुए दीवू ने, पूरी रेड बन के जा रही है दीवू मेला। आज दोबारा दीवू को विश कर देना हैप्पी बर्थडे। आप थैंक यू बोल दो सबको। थैंक यू। वेलकम। तो सबसे पहले हमने व्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। हे गाइस, बड़ों को नमस्ते, पहला छोटों को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह से। 8:30 भी बज रहा है और ना इससे पहले करना चाहती थी, लेकिन हबड़ तो अभी दीवू को तैयार करना होता ना स्कूल के लिए, क्योंकि वो स्कूल जा रही है और आज उसका लास्ट एग्जाम है। तो आज है 19 तारीख, दीवी का ना लास्ट एग्जाम है ईवीएस का। आज थोड़ा सा एंजॉय भी होना चाहिए बच्चों के लिए, थोड़ा फन एग्जाम दे रखा है। तो ना हम सोच रहे दीवी का बर्थडे जो है वहाँ पे स्कूल में सेलिब्रेट कराएंगे, तो आज वो इसलिए रेडी वेडी होके जा रही है, क्योंकि 13th को जो है दीवी का बर्थडे था, तो उस दिन इसकी हॉलीडे चल रहे थे, इसलिए दीवी का बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट नहीं हो पाया। तो आज हम सोच रहे कि चलो वहाँ पे स्कूल में मैम से बात करके, आज जो है उन्होंने बोला चलो लास्ट एग्जाम के दिन सेलिब्रेट करवा देंगे, तो बच्चों के लिए भी थोड़ा सा इंजॉय वाला हो जाएगा कि चलो सेलिब्रेट हुआ। बच्चों को भी खुशी होती है और दीवी को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, इसलिए भी हम लोग उसका करवा रहे हैं। स्कूल में भी हमेशा कहती है मेरा बर्थडे स्कूल में मेरा बर्थडे होगा। आज वो सबको बोलने में, कल रात से तो मेरा बर्थडे है स्कूल में, ये वो। नानू नानी को भी फोन करके बोल दिया उसने कि स्कूल में मेरा बर्थडे है। और हम लोग बेसिकली पता है क्या लेके जा रहे हैं कि क्लास की जो स्ट्रेंथ है ना, वैसे 2 सेक्शन है पर स्ट्रेंथ है 51, लेकिन हमने क्या सोचा एक केक कटवा देते हैं और एक जो है डेयरी मिल्क का बॉक्स दे देंगे स्कूल में। हम कैंडल लेना भूल गए थे, तो यहाँ पे नेगी जी कैंडल लेने जा रहे। देखो जॉय बेकर्स का ही हम केक लाए इस बार, एक डेयरी मिल्क का ये पैकेट और ये इसका केक है, बस इतना सा। अरे ऐसे ही केक तो मैं भाई पैक हो गया केक। तो इसके जो है कैंडल्स भी हमने मंगवा ली हैं। और हम आज लेट भी है इस चक्कर में, मैंने आपको बताया नहीं, दीवी का स्कूल थोड़ा सा लेट हो चुका है। पहले हमें 8:30 पे पहुंचना होता था, लेकिन अब क्या कर दिया 8:55 कर दिया है। सही किया है, क्योंकि ना बहुत ज्यादा सुबह जो इतना कोहरा रहता है ना, बच्चों के लिए सेफ भी नहीं है बच्चों को ले जाना। हमने साथ साथ में बनाना भी लिया है इसके लिए, क्योंकि ये अगर दीवू ना, ये अगर थोड़ा सा भी काला हो गया ना, दीवू नहीं खाती। तो दीवू का ऐसे रखना होता है, कट करके टिफिन में डालना होता है। आज दीवू के लिए मैंने स्पेशल मैक्रोनी भेजी है, उसकी फेवरेट, एक दिन चलता है। और मखाना भी भेजा है, तो उसका जो फेवरेट वाला है ना वो भेजा है मैंने। कैसा लग रहा आपको? वो भी अभी सुन रही है, देखो उसे कितनी खुशी हो रही है। आओ एक्सप्रेशन देखो उसकी। आपको साथ साथ में फिनिश भी करना है इस तरीके से, कट करके बनाना हमें भेजना होता है। देखो सिंगर भी, मेरी कैप नेगी जी के सर पे पहुंच चुकी है। हमने दीवी के स्कूल की तरफ को डाल लिया है और हम लोग पहुंचने वाले हैं। और हमने सोचा हम लेट होंगे, बट हम लोग टाइम पर पहुंचने वाले हैं। सामने दीवी का स्कूल है और अभी टाइम हो रहा है 8:54। देखा, एक मिनट से बचे। आइए महारानी जी, जी आइए आराम से चलो। गुड मॉर्निंग दीवू। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो आंटी का, थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलो। प्यारी लग रहे हैं आप बहुत। थैंक यू बोलो। देखो भाई हमारे दोस्त लोग मिले यहाँ पे। हाय हाय। तो गाइस हम दीवू को छोड़ के आ चुके हैं स्कूल में, पता चलेगा कैसे एंजॉय किया दीवू ने। ऐसी रहता अब यहाँ पे खुला, इसको कभी कहीं कभी कहीं लेके बस जाती रहती है। हम अभी कुछ भी नहीं हो रखे हैं, बस दीवू को पहुँचाया ही है। क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल देखा। अच्छा देख रहे हो, ये हाल है।
ये हाल क्या, खुद ही तो बना के दिया है तुम्हारे लिए मैक्रोनी। हे गाइस, तो देखा 11 बज चुका है और हम लोग शॉप पे पहुंच गए। हम लोग मतलब देखो आज मेरे कस्टमर बनके कौन आए हैं, बहुत ही स्पेशल मेरे कस्टमर है जो सालों बाद हमारी शॉप पे आए हैं। ये देखो ये और ये आपको कस्टमर कम लग रहे होंगे और यहाँ पे काम ज्यादा कर रहे हैं, फैला ज्यादा दिया। देखो ये देखो ये अपने सचिन भैया का पूरी हेल्प करने में लगी है। अभी ये जब जाएंगे तो हमारे नेगी जी जो पीछे बड़बड़ाएंगे वो तो वही जाने। बोलोगे ना ना। कौन बोल सका जो सचिन भैया। देखो ये कितना काम कर रही है, इसको तो मैं सोच रही हूँ कि रोज यही मैं अपने साथ लेकर आऊँ। 15,000 रूपए सैलरी देनी इसको, तो घर बैठ अपने जा। मुझे भी देना चाहिए तुम्हें। तो मेरे पति की कोई कपड़ों की दुकान नहीं है कि जब मर्जी तब कपड़े उठा लो, तू उससे ज्यादा के कपड़े ले लेती है। देखो हमारे अजीज दोस्त 12 बज चुके हैं और ये ऐसे ही खाली हाथ वापस जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दिखा दे अपनी पत्नी। हम लोग तो घर जा रहे हैं, बाकी नेगी जी उस तरफ देख भी नहीं रहे आज। सब सीध है, हम आप लोगों से मिल रहे हैं 12:30 बजे। तो हम दीवी को लेने पहुंच चुके हैं। देखो आज हमारी बर्थडे गर्ल स्कूल के लिए तो आज ही है उसका बर्थडे 19th को, तो आज एग्जाम भी हो जाएंगे, आज फ्री बच्चे। उसको हम लेने पहुंचने ही वाले हैं। बस देखो क्या करती है, अभी कैप्चर करूंगी। ठीक है, देखो हमारी दीवी आ चुकी है स्कूल से अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके। वेरी गुड, टुकू केशु और दीवी का ये 3। किस किस ने मिलके केक काटा? अभिश्री ने, शिवन्या ने है। अरे वाह, आपके फ्रेंड्स ने और मैम ने। और चॉकलेट किस किस को दी? सबको। तो आप हैप्पी हो गए ना? और मैम ने तो बताया कि आपने सब कुछ बताया मैम को। हाँ? क्या क्या पूछा मैम ने? वाइल्ड एनिमल्स, पेट एनिमल्स सब। डॉक्टर? अच्छा, वो हेल्पर। एग्जाम हो गए, अब आप एंजॉय करना, ठीक है, प्ले करना। आपने दीवी का सुन लिया है, बातें भी सुन ली और दीवी का बर्थडे कैसा रहा वो भी सुन लिया है। अब देखते हैं अगर कुछ वीडियोस मुझे मिल पाई स्कूल की तरफ से तो लोगों से भी शेयर करूंगी। बस अभी हम घर को जा रहे हैं, 1 बज चुका है, अभी खाना वाना भी बनाना है। वैसे आज मैं शॉप पे थी ना तो मम्मी ने कर ली थी सब तैयारी। आज हमारे मेथी के पराठे और आलू मटर की सब्जी है। बस मुझे मेथी के पराठे बनाने और साथ साथ में खिलाती रहूंगी इनको। वो हमारी आ चुकी है अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके। ये देखिए कब से ये हाउस आया ना, यहाँ पे ना पेटी के साथ साथ मम्मी भी ज्यादा मजा कर रही है। अब हमारी दीव का घर यही है तो उसके घर में उसने मुझे भी आने दिया और तो मैं इसको यही खाना खिला रही हूँ। और यहाँ पे पूरा बिस्तर लगा के देखो ऐसे लेट रखी है आराम से, ये भी लेट रखी है साथ में। मामा मामी और ये मासी सबने उसके सपने पूरे कर दिए। बड़ों को भी ऐसे ही वाले घर लेने होते है ना, इतनी टेंशन खत्म हो जाती, सब शिफ्ट हो जाती है उसी घर में। पापा है वो, देखा तो ना डिकैथलॉन में कैंपिंग के लिए था। ये हाउस ना इतना बड़ा है कि यहाँ पे बड़े लोग भी आ सकते हैं, आराम से सो भी सकते हैं। तो दीवु आजकल यही काम कर रही है, इसको कभी रूम में ले जा रही है कभी कहीं। दीवु लाइट के खा बेटा, ये देखो मैं दीवु कहना भी मानती हूँ। आप भी पता है कल क्या कहती है, मैं खाना खिला रही थी ये वो देख रही थी फोन, तो मेरे फोन में फोन आया, मम्मा मम्मा ये फोन आ गया आपका। पता है मम्मा केशु ना अपनी मम्मा को फोन नहीं देता, जब फोन आता है तुरंत काट देता है। और देखो मैं देती हूँ ना, अच्छी हूँ ना मम्मा। अरे पॉइंट कमाने अपने दोस्तों का बदनाम करके। तो गाइज अब यहाँ पे दीवो की एक स्कूल से क्लिप आई थी तो मैं वो ऐड कर रही हूँ, आप एंजॉय कीजिए। तो गाइज इसी सेलिब्रेशन के साथ मैं व्लॉग को एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।